हेलो आज ही हम मिले हैं। ये पूरा है भाई पशुपतिनाथ मंदिर। मेन एंट्रेंस जो है वो यही है जहाँ पर आपको दूर से नंदी जी दिख रहे होंगे, इसके सामने मंदिर है। हवन करते जी इस जगह पे, ये वो जगह है। कुछ ऐसे साधु वगैरह बैठे हैं, अगर आप यहाँ की हिस्ट्री भी इनसे पूछोगे तो उसके भी ये पैसे लेते हैं। ये है भाई मंदिर के बैक साइड का नजारा, यहाँ जहाँ चिता वगैरह जलाई जाती है। लाइन से सारे शिवलिंग देखो, ऐसे लगता है शीशा है सामने। आखिरी बार इंसान यही आता है। ये जो मंदिर है ना, ये जो पत्थर है, ये सब पहले के, एक बार नेपाल आके देखो। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं जा रहा हूँ अभी पशुपतिनाथ और अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ। ये मेरे हॉस्टल से बाहर का नज़ारा है दिन का, रात को भी आपको दिखा देता। इधर ये हॉस्टल और कैफे भी है कर्मा। सो मैं पशुपतिनाथ जा रहा हूँ। अभी एक बंदे का मैसेज आया था, उसने बोला है 500 रुपये में आज वो पूरा दिन घुमाएगा नेपाली करेंसी में। तो लेट्स सी क्या होता है। सो भाई वो 500 वाला सीन था ना, जो वो कोई स्कैम था, उसने अजीब से एरिए में बुलाया था, तो वो एरिया मेरे को ठीक नहीं लगा तो मैं वापस आ गया वहाँ से। तो अभी मैंने पठाओ एक एप्लीकेशन है यहाँ की, तो वहाँ से मैंने बाइक टैक्सी रेंट करी है और ये मेरे को लेके जाएंगे भाई पशुपतिनाथ। मेरे हॉस्टल से 5-6 किलोमीटर का रास्ता है और इन्होंने मेरे से लिए रहे हैं 120 रुपये यहाँ से 5-6 किलोमीटर के, मतलब पशुपतिनाथ। और ये गाड़ियों के वो देख रहे हो तुम नंबर प्लेट, यहाँ की जो नॉर्मल गाड़ियाँ है ना, जो प्राइवेट गाड़ियाँ लोगों की, उनकी नंबर प्लेट रेड है, स्कूटी की रेड है, लेकिन जो टैक्सी वगैरह है उनकी ब्लैक है। मतलब अलग ही सिस्टम है भाई इधर। बाकी चलो चलते हैं पशुपतिनाथ। सो भाई पशुपतिनाथ मंदिर हम आ चुके हैं। यहाँ से एंट्रेंस चालू होती है, जो बाजार है ना, इस बाजार से ही आते हैं। मतलब हैं तो 2-3 रास्ते, लेकिन हम इस बाजार की तरफ से आए हैं। बाइक वाले भाई ने पीछे उतार दिया था हमें। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा और आपको दिखाएंगे पूरा पशुपतिनाथ मंदिर। ये यहाँ की मार्केट है, जो छोटी मोटी मंदिरों के बाहर मार्केट होती है, अपने इंडिया में भी होती है, इसी तरीके से यहाँ नेपाल में भी है। तो ये पशुपतिनाथ मंदिर की मार्केट है। अब चल रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ और आज हम थोड़ा घूमने आए हैं, दर्शन करने आए हैं पशुपतिनाथ मंदिर में। तो अभी चलते हैं अंदर, जो भी कुछ है जैसा भी है सब दिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो भाई ये है पशुपतिनाथ मंदिर का एंट्रेंस, इधर से एंट्री होती है और शूज़ वगैरह पीछे निकाले जाते हैं। मतलब यार खतरनाक चीज़ बना रखी है। देखो इधर भी शिवलिंग है छोटा सा, बाकी सही है। मतलब पुरानी चीज़ों को, पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो पहले की बनी हुई, राजा महाराजा के टाइम से इन्होंने पूरा उस चीज़ को, धरावर को बचा के रखा हुआ है। मतलब यार अलग ही है। मेरे को दूसरी बार आना पड़ रहा है पशुपतिनाथ, क्योंकि पहले की जो मैं बना के गया था सारी वीडियोस करप्ट हो गई, तो मेरे को अब दोबारा आना पड़ा है। मतलब अलग ही यार मंदिर है। ये देखो इधर, ये कितना सही लग रहा है। तो भाई ये कबूतरों के लिए है, इधर दाना वगैरह डालने के लिए। तो सही है यार, ये चीज़ भी पुण्य का काम है और मंदिर में अगर हो रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। और इधर से एंट्रेंस है पशुपतिनाथ मंदिर की, उधर भी कुछ है, मतलब कुंड वगैरह होते हैं जो हवन कुंड, वो है सारे ऊपर नीचे टोटली। और ये देखो ये पुरानी बिल्डिंग्स है जो इन्होंने अभी तक अपनी धरोहर को बचा के रखा हुआ है। देखो इधर वाला, ये सब पुराना है। जो ये सामने दिख रहा है आपको, ये है पशुपतिनाथ मंदिर और इसके अंदर जाएंगे, बट यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो बाहर बाहर की थोड़ी बना देते हैं और ये पहले दिखा देते हैं आपको और फिर चलेंगे इसके अंदर। ओहो सो भाई दर्शन हमारे हो चुके हैं बहुत प्यार से। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं करना। और ये ही सामने है पशुपतिनाथ मंदिर। मेन एंट्रेंस जो है वो यही है जहाँ पर आपको दूर से नंदी जी दिख रहे होंगे, इसके सामने मंदिर है। मतलब जो पशुपतिनाथ मंदिर, जो क्या बोलते हैं यार, शिवलिंग, भोलेनाथ बाबा का शिवलिंग है, तो वो बिल्कुल सामने ही है नंदी जी के। और ये है पूरा पशुपतिनाथ मंदिर। और मतलब स्ट्रक्चर यार, मतलब क्या है यार बनाने वाले का, खतरनाक चीज़ बना रखी है। और यार सही है वैसे, है ना, जगह बना अच्छे से रखा है। सो भाई ये जो छोटी छोटी हट दिख रही है ना, हट से एक इधर है एक उधर है,
ये सब मतलब वही है हवन कुंड टाइप जो होते हैं ना, हवन कुंड करके और हवन करते जिस जगह पे, ये वो जगह है। और ये पूरा पशुपतिनाथ मंदिर दिख रहा है इधर से ये सारा। और ये है निवेदिता, ये मेरी दोस्त है, हम यहीं पर आगे मिले थे। हेलो सो ये है साउथ से मतलब कोची, और आज ही हम मिले हैं, आज ये आई है, आज इनका आना है और कल मेरा जाना है। तो अच्छा है वैसे यार, मंदिर का जो बाहर का भी एरिया वो भी बहुत प्यारा है, और सामने ही मतलब कितनी भीड़ है देखो, क्राउड बहुत है। बहुत सही बना रखा है यार पशुपतिनाथ मंदिर, कसम से बहुत प्यारा। सो भाई ये है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता और यहीं से अंदर आने का रास्ता मंदिर की तरफ जाने के लिए। और ये देखो मतलब यार पुरानी मतलब क्या आर्किटेक्चर है यार इस मंदिर का, खतरनाक। और यहीं से अंदर जाने का रास्ता पूरा पशुपतिनाथ मंदिर का मेन द्वार, जहाँ अंदर जाने से दर्शन। ये है पूरा पशुपतिनाथ मंदिर, दर्शन तो हमने कर लिए अंदर, वीडियो अलाउड थी नहीं, कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए हम बना नहीं पाए। और इधर से ये रास्ता जो दिख रहा है, ये अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे हवन कुंड दिखेंगे, पार्क दिखेगा। तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ बना रखी है, मंदिर बहुत प्यारा बना रखा है यार, कुछ भी कहो बहुत सही मंदिर। इधर देखो जैसे साधु वगैरह बैठे हैं, धूप ले रहे हैं अपना आराम से, तो इनके पास भी अगर आप जाओगे तो वही है भाई, कुछ तो देना पड़ेगा अगर आपको कुछ पूछना। अगर आप यहाँ की हिस्ट्री भी इनसे पूछोगे तो उसके भी ये पैसे लेते हैं। और यही पार्क है सामने पशुपतिनाथ मंदिर का, मेन द्वार है जहाँ से एंट्री होती है, सामने ही नंदी जी बैठे वहाँ, और जहाँ अभी मैं जा रहा हूँ ये सामने, ये बाहर इनकी एंट्रेंस है, इधर कबूतर वगैरह के लिए खाना वगैरह दाने वगैरह डालने के लिए। और यहाँ भी एक शिवलिंग है बिल्कुल पास में ही, और आगे जाते सीधा एंट्रेंस है जहाँ से अंदर भी आते और बाहर भी जाते हैं। तो यही है मंदिर यहाँ का। तो भाई दर्शन हमारे हो गए, अब हम जा रहे हैं मंदिर के बैक साइड में। और यहाँ की जो हिस्ट्री है ना बड़ी गजब है यार, मैंने सुना है कि शिव भगवान वाराणसी से देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली में चले गए, और वहाँ बाघ जो भगवान शिव थे वो चिंकारे के रूप में आ गए थे और निद्रा में चले गए। जब देवता उन्हें वापस खोजने के लिए आए, वापस लेने के लिए आए, तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे की तरफ छलांग लगा दी, इस वजह से वहाँ पर जो सींग थे वो चार टुकड़ों में हो गए, और जो भगवान पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। वाह भाई देख रहे तुम, मतलब क्या आर्किटेक्ट है, मतलब आर्किटेक्चर क्या खतरनाक है। सो ये है भाई मंदिर के बैक साइड का नजारा, और यहाँ पर इतनी भीड़ जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पर एक तरीके से मान लो जैसे हरिद्वार में होता है ना कि चिता जलाई जाती है, तो यहाँ पर भी वही होता है, नदी है यहाँ पर, शायद यही बागमती नदी है, और ये इस एरिया का बैक एरिया है। तो भाई ये है पशुपतिनाथ मंदिर के यहाँ जहाँ चिता वगैरह जलाई जाती है वो एरिया है, हम उस साइड आए जैसे सामने दिख रहा है आपको, ये जैसे इधर हो रहा है, और ये सामने ही है पशुपतिनाथ मंदिर, जो बड़े वाला गोल्डन वाला दिख रहा है ना, ये पूरा पशुपतिनाथ मंदिर है ए टू जेड। तो उधर तो खैर अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, मैं इसलिए इस साइड आ गया था। ये पशुपतिनाथ मंदिर है, और ये पूरा सेक्शन वही है जहाँ पर चिता वगैरह को आग दी जाती है, जैसे अपना हरिद्वार हो गया उस टाइप से, क्योंकि अंदर है नदी है इधर, वो भी दिखाता हूँ दूसरी साइड से। और इधर देखिए कितना मतलब ज़बरदस्त चीज़ बना रखी है, मतलब लाइन से सारे शिवलिंग देखो, ऐसे लगता है शीशा है सामने, है ना, मतलब यार खतरनाक चीज़ है नेपाल के अंदर बहुत सही है भाई। इधर भी ऐसे ही है, सेम टू सेम लाइन से मंदिर है। चलो भाई, सो भाई ये है इधर नदी, नाम तो मेरे को पता नहीं, आखिरी बार इंसान यहीं आता है और यहीं सबसे शांति है ज़्यादा। और यही है पूरा पशुपतिनाथ मंदिर का बैक साइड का एरिया, और बीच में ये नदी है कोई, नाम तो खैर मेरे को नहीं पता क्या नाम है इसका, बाकी यार क्या ही बताऊँ, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है नेपाल आने के बाद, बहुत सही सही चीज़ें दिखी हैं। बाकी नेपाल सीरीज़ अभी स्टार्ट होएगी, होते ही आप सारी वीडियोस देखना, एंड तक देखना, एक एक चीज़ की डिटेल दी है उसके अंदर। और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि मतलब नेपाल का ट्रिप कैसा रहा। तो चलो अब चलते हैं दूसरी जगह, देखते हैं आज नेक्स्ट हम क्या एक्सप्लोर करने वाले, बाकी अभी तक तो इतना ही है। ये सारे शिवलिंग बना रखे लाइन से इधर और इधर भी पूरा पीछे तक, ये देखो क्या क्या मतलब खतरनाक चीज़ बना रखी है। और ये ऊपर टूरिस्ट वगैरह ही है, यहाँ के लोकल लोग भी हैं जो दूसरे पीछे के रोड पे खड़े हैं,
मतलब कुछ भी कहो यार, नेपाल में एक अलग ही वो है, मज़ा आ गया कसम से नेपाल घूम के। सो भाई उस घाट के उधर से हम इधर आए, जाना था बौद्धनाथ स्तूपा, बट इधर आके देखा तो मतलब यार ये सोच रहे हैं कि मतलब पहले के ज़माने में भी ऐसे लोग थे इतने सालों पहले कि मतलब क्या खतरनाक चीज़ बना रखी थी। अब की तो छोड़ ही दो तुम, मतलब सही है यार, क्या ही बताऊँ मैं। ये नीचे पत्थर, ये तो खैर आजकल आज मतलब उसी के होंगे, बट ये जो मंदिर है ना, ये जो पत्थर है, ये सब पहले के पुराने टाइम के जब यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। मतलब नेपाल यार मतलब ख़तरनाक जगह है, मैं तो कहता हूँ भैया आना चाहिए एक बार नेपाल आके देखो, मतलब अलग ही वाइब्स है इधर। इधर आपको सब चीज़ मिलेगी, धार्मिक से रिलेटेड या कुछ भी हो सब मिलेगा आपको। भाई अब हम जा रहे हैं बौद्धनाथ स्तूपा पशुपतिनाथ से, इस इधर से इधर से चलते हैं, और ये पूरा वही है, तो चलो चलते हैं दूसरी जगह।